सूबे की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हनुमानगढ़ की धान मंडी में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाश एक युवक को गोली मारकर भाग गए, जिससे गोली लगने से युवक की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। घायल को राज्य के चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। मृतक विजय विश्नोई शौरेका गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दोपहर धान मंडी में मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने मंडी में विजय विश्नोई से झगड़े के बाद उस पर कई फायर किए और आरोपी इसके बाद फरार हो गए, जिससे विजय विश्नोई की मृत्यु हो गई। मंडी में गोली की आवाज सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक यादराम फांसल घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए इवन संवाददाता राकेश धामू फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ हनुमानगढ़ से। जी बताएं। भारती, मैं आपको बता दूं कि आज टाउन की धान मंडी में दिन आड़े अज्ञात बदमाश एक युवक को गोली मारकर फरार हो गई, जी जिसे गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए टाउन के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। मृतक विजय बिश्नोई शेरिका गांव का बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि आज दोपहर को टाउन की धान मंडी में मोटरसाइकिल पर सवार होकर अज्ञात बदमाश आए थे और मंडी में ताश खेल रहे विजय बिश्नोई से पहले लड़ाई झगड़ा किया, राकेश बाद में राकेश गोली क्या मारकर वजह शुरू किया सामने आ था। पाई है कि क्यों इन लोगों ने गोली मारी और कौन लोग थे, क्या उनको पकड़ा जा चुका है अभी तक कि नहीं? इस बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया। जो गोली मारकर वो जो लोग थे वो फरार हो गए हैं, बाकी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता राकेश धामू फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए।